इसके साथ मैं एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, उस बड़ी खबर में आपको बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी खबर G20 से आ रही है जो आशीष ब्रेक कर रहे हैं, और इस खबर को इन विजुअल्स के साथ मैं लूंगा, लेकिन पहले खाली इस खबर को दिखाऊंगा। रूस को लेकर G20 में भारी मतभेद, ब्रेक करें, G20 समिट का ज्वाइंट स्टेटमेंट अटका, फुल ब्रेकिंग दिखाइए। पुतिन के लिए कड़े शब्दों पर कई देशों ने एतराज किया, G20 देशों के प्रतिनिधियों में नहीं बन पा रही है सहमति, ज्वाइंट स्टेटमेंट पर डेडलॉक टूटने के लिए भारत से उम्मीद। यह बहुत बड़ी खबर है, एक बार फिर से आपको खबर बता रहा हूं, रूस को लेकर G20 में भारी मतभेद, G20 समिट का ज्वाइंट स्टेटमेंट अटका, पुतिन के लिए कड़े शब्दों पर कई देशों को एतराज, यह बड़ी खबर है। राहुल तीनों ब्रेकिंग दिखाइए, तीन एक्शन, दो एक्शन और ये वाली ब्रेकिंग, ये तीनों ब्रेकिंग दिखाइए और मैं सीधे चलूंगा। आशीष मेरे साथ हैं इस वक्त, इंडोनेशिया से G20 कवर कर रहे हैं। आशीष, आप ये जो खबर आपने दी है, ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कितना साया है G20 में रशिया का, ये सवाल तो बहुत ही प्राइमरी स्कूल वाला हो जाएगा, लेकिन ये जो खबर है कि कई देशों को मतभेद हो, कई देशों में मतभेद हो गए, चिंताजनक है। बिल्कुल, एक देश और एक देश का सबसे बड़ा लीडर व्लादिमीर पुतिन उपस्थित न रह के भी वो पूरी तरह ओमनी प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बाली में, सभी के चर्चा में वही हैं, सभी के डिस्कशन में वही हैं। जॉइंट स्टेटमेंट व्लादिमीर पुतिन और रशिया को लेकर अटक गया है, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि जनरली आप देखते हैं जो किसी भी मल्टीलैटरल फोरम जैसे कि G20 है, उसके शेरपास भारत की तरफ से 3 मेंबर्स की शेरपा की टीम है, अमिताभ कांत उसे हेड कर रहे हैं, उसके बाद एम्बेसडर नायडू है और इनाम गंभीर जो कि वो भी जॉइंट सेक्रेटरी है एमईए में, ये तीनों लोग भी भारत की तरफ से शेरपा के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और शेरपास को 13 तारीख की शाम तक ही सारे स्टेटमेंट्स और अग्रीमेंट्स पे अग्रीमेंट बना लेना था। लेकिन आशीष, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, बल्कि मैं कंफ्यूज हूं थोड़ा सा, खाली इस यही वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, मैं कंफ्यूज हूं, व्हाट इज द इशू? सारे देश क्या, कौन सी चीज है जिसमें डिसएग्रीमेंट है, और ये सारे देश भारत की तरफ किस चीज की उम्मीद लगाकर बैठे हैं? दो चीज़ें हैं, दो बिंदुओं पर आकर ये जॉइंट कम्युनिके अटक गया है और अब लीडर्स ही इसे डेडलॉक को तोड़ पाएंगे। पहली चीज़, डिप्लोमेटिकली स्ट्रॉन्ग वर्ड इस्तेमाल करना स्टेटमेंट में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। दूसरी चीज़, रशिया को अलग थलग करने की कोशिश, उन्हें कॉर्नर करने की कोशिश G20 के जॉइंट स्टेटमेंट में। इन दो मुद्दों पर लगातार शेरपास के बीच में कम्युनिकेशन अटका हुआ है। हमारे दर्शकों को बताइए, शेरपास से आपका मतलब क्या है? ओवरनाइट उनकी मीटिंग चली है सारे G20 शेरपास की। शेरपाज, आप ये मानिए कि जो लीड करते हैं किसी देश को, जैसे भारत की तरफ से अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के सीईओ थे पहले, वो शेरपाज की टीम हर देश की तरफ से होती है मल्टीलैटरल फोरम में। ठीक है, और आप वो स्टे विद मी आशीष, यू हैव अ वेरी 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 लॉन्ग रोल टू प्ले इन दिस शो टुडे। मैं सीधे चलूंगा विष्णु सर के पास। विष्णु सर, इस खबर पर आपका रिएक्शन क्या है? भारत की तरफ उम्मीद है, कंट्रीज में एक डेडलॉक आ गया है, ज्वाइंट स्टेटमेंट बन नहीं पा रहा है क्योंकि पुतिन को लेकर सब लोग एकमत नहीं है, इसके पहले दो चीजें आप क्या इन्फर कर रहे हैं? निशांत जी नमस्कार। देखिए, पिछले 6 महीने से ये चल रहा है कि कोई भी मिनिस्ट्रियल मीटिंग में भी बहुत मुश्किल हो रहा है ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू करना, क्योंकि पश्चिमी देश G20 का एजेंडा बदल रहे हैं। इफेक्टिवली G20 एक इकोनॉमिक फोरम है, डेवलपमेंटल फोरम है। हाँ, माना कि उसने अफगानिस्तान पे आईसिस वगैरह पे टिप्पणी की है पहले, पर इस वक्त जो वेस्ट का एक 1 पॉइंट प्रोग्राम रशिया है जी, और जो सिक्योरिटाइजेशन हो रहा है G20 का जी, और जिस तरह से आशीष बता रहे हैं कि पुतिन को टारगेट किया जा रहा है, मैं उनकी हिमायत नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, ये पहले कभी नहीं हुआ है जी, और इसीलिए पुतिन आए नहीं है, क्योंकि आपको याद है कि पहले तो पश्चिम ने देशों ने ये कोशिश की थी कि रशिया को G20 से निकाल दिया जाए जी, जी। तो ये कारण है कि इस वक्त काफी मतभेद है और ये मतभेद को सुलझाना आसान नहीं होगा। अंडरस्टूड, यानी कि कुल मिलाकर G20 में अभी जो सार है वो ये है कि सभी मुल्कों में पुतिन के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग लाइन लेने को लेकर अभी भी एग्रीमेंट नहीं है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।